तो हेलो दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके कर सकते हो अगर पहली बार कर रहे हो तो, और नहीं तो देखो। तो क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू 4 AB डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी एंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2A, एक्स माइनस 2A प्लस, तो वैल्यू आप लोग देख चुके हो कैसे निकालना चाहिए। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट करते तो एक्स का वैल्यू मालूम चल जाएगा, पर हमें ए और बी का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि जो एक्स का वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है। चलो ए का अगर 1 पुट करेंगे और बी का 2, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 8, नीचे 3 हो जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो अब ये ऑड और इवन हो गया, चलो ऑड ऑड पुट करके देखते हैं बात, यानी कि 3 और 1 पुट करके देखते हैं, 1 और 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 12, और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, यानी कि कट जाएगा। तो ऐसे लिख लो, ए इक्वल टू 1 पर पुट कर दो, बी इक्वल टू अगर 3 पुट कर देते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वो, ठीक है, बी इक्वल टू 3, यानी कि 4 12, अब 12 प्लस 3 4, यानी कि 4 से जब 12 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, एक्स का वैल्यू भी 3 आएगा। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब इक्वेशन में पुट कर देना है एक्स का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया समाप्ति इसका। ये बोल रहा है एक्स मतलब कि 3 प्लस 2 इंटू ए, 3 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, एंड नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 हो जाएगा, ध्यान से देखते रहो, इनटू क्या होगा दिस ना, ऊपर क्या हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ध्यान से, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माने 3 है, 2 इंटू 1 माने 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे और 1, माइनस हो जाएगा 9, और यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि जब इसमें से माइनस करेंगे तो, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 6 15 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर 2। क्वेश्चन की समाप्ति हो गई। तो क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, ठीक है। अब किसी को ज़्यादा समझना है तो पूरा करे, बेसिक मेथड से बहुत ही लंबा खींचा जाएगा क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, CHSL DU में है, LDC में है, CHSL के परीक्षा में होगा, जो कि अभी बाकी हैं, यानी कि कुछ परीक्षे हुए थे इस टाइम 2020 के, और कुछ परीक्षे होने वाले हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो।